हेलो एवरीवन, मैं आशीष बोल रहा हूँ पिक राइट से और लेके आया हूँ आपके लिए बजट का एक डिटेल एनालिसिस। फरवरी 1 तारीख को हमारा बजट आया था, तो आज हम एनालाइज करेंगे कि बजट में कौन कौन सी चीजों को कवर किया गया, कौन कौन सी चीजों पे गुरुत्व दिया गया और कौन कौन सी चीजों पे अगर गवर्नमेंट फोकस करती तो और भी अच्छा हो सकता था। लेट्स स्टार्ट। पहला चीज डिस्कस करते हैं फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था और इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने ये प्रेडिक्ट किया कि हमारा जीडीपी 8 से 8.5% के रेंज में ग्रो करता रहेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 के। और वहीं पे बजट के दिन गवर्नमेंट ने बोला कि उनको लगता है कि जो फिस्कल डेफिसिट रहेगा वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ज्यादा हो सकता है। पहले जो उनका एस्टिमेट था 6.8, वो हो सकता है 6.9। तो पहले हम जानते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट पहले था कितना, वो कैसे मूव हुआ और कैसे नहीं जाया। जब 2012-13 की बात किया जाए तो हमारा फिस्कल डेफिसिट करीब करीब 4.8-4.9 के आसपास था और धीरे धीरे कम होते होते वो हो गया था 3.4 के आसपास इन 2018 पे। बट जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ वो फिस्कल डेफिसिट ऑन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से काफी बढ़ गया और बहुत सारी जगहों पे हमारा जीडीपी इंपैक्टेड थे, बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस हुआ था, तो वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ के करीब करीब 9.4 हो गया था लास्ट ईयर के लिए। और अभी इस साल के लिए वो हो गया है, वो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 6.8 पे आए, बट वो आ रहा है 6.9 पे। अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोन लेने वाली। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट लोन लेके उसको कहाँ पे यूटिलाइज करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट ने अपने अगले साल की प्लान में ये बोला है कि वो पूरा का पूरा पैसा या मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंफ्रा में इन्वेस्ट करना चाहता है, अपार्ट फ्रॉम जो उसके एग्जिस्टिंग प्लान्स उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है 22 बजट से। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा इंफ्रा में जाएगा, बट उनका फोकस इंफ्रा ओरिएंटेड रहेगा। तो ये एक अच्छा चीज है, इंफ्रा में इन्वेस्ट करने से गवर्नमेंट को ऑन ए लॉन्गर टर्म बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, एज वेल एज उस बेनिफिट का कुछ हिस्सा हमें आज सिटीजंस मिलेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, बट उससे ना एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी हम सब पे होगा। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है और गवर्नमेंट बोरोइंग के लिए जाता है, गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसके चक्कर में जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसके इंटरेस्ट बढ़ेंगे, तो आपके बैंक में इंटरेस्ट बढ़ेंगे, हो सकता है कि आपके होम लोन्स के इंटरेस्ट बढ़े। ये डिपेंड करेगा आरबीआई के ऊपर और बैंक के ऊपर कि वो कितना बोरोइंग कर रहे हैं और कैसे वो इंटरेस्ट को आपके ऊपर पास ऑन करेंगे। बट थोड़ा बहुत चांसेस है इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कि कुछ इंटरेस्ट इंक्रीज हो, बट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया का देखें इकोनॉमी तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स कट होने वाले हैं। अब इसका एक इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे भी होगा। जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, पर्टिकुलरली डेट म्यूचुअल फंड में, और उनका मैच्योरिटी ड्यू है इन शॉर्ट टर्म, तो उनको शायद थोड़ा कम रिटर्न मिले अगर वो आपके पास ओपन एंडेड फंड। बट आपने अगर एवरेज मैच्योरिटी ड्यूरेशन देख के और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो आपको उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा और शायद आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट किए थे एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। बट शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखे, और ये एक एडवांटेजियस पोजीशन रहेगा अगर आप लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म फंड या कोई फ्लोटिंग रेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे ही पुराना बॉन्ड मैच्योर होगा और नया बॉन्ड वो खरीदेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगे। नेक्स्ट हम चलते हैं टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन के ऊपर हम सबको बहुत सारे उम्मीदें थी, हमें लगता था कि गवर्नमेंट डेफिनेटली इंडिविजुअल टैक्स रेट में कुछ ना कुछ कट या कुछ सब्सिडीज देगा, बट वैसा कुछ भी देखने को ना मिला, ना ही कुछ कॉर्पोरेट टैक्स में। तो टैक्सेशन के मामले में गवर्नमेंट ने इस बार कुछ भी मदद नहीं किया जो कि शॉर्ट टर्म पे इनकम जनरेशन या इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने में कोई भी हेल्प कर पाए। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने केमिकल इंपोर्ट में इंपोर्ट ड्यूटीज कम किया, कुछ प्रोडक्ट्स में स्टील और स्क्रैपेज में अपने कस्टम ड्यूटीज कम किए। उसके सिवा गवर्नमेंट ने अनब्लेडेड फ्यूल के ऊपर 2 रुपए का ड्यूटी चार्ज किया जो कि अक्टूबर 1 से इंप्लीमेंट होने वाला है। उससे क्या होगा कि हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ जाए, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का ये टारगेट नहीं है कि पेट्रोल का डीजल प्राइस बढ़ जाए, गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि कैसे वो कार्बन एमिशन को कम करे।
उसके लिए उन्होंने ये बोला कि आप जो रॉ फ्यूल आता है उसमें ब्लेंडेड इथेनॉल का इस्तेमाल करें, जहां पे के अगर आप ब्लेंडेड इथेनॉल इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ने वाले, और ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगा क्योंकि हमारा जो फ्यूल है वो मोस्टली इंपोर्ट होके आता है, तो हमें उसके ऊपर बहुत सारे पैसा खर्च करने पड़ते हैं आज फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव। अगर हम उस पे 2-3% या 5% जो भी उसका लिमिट है अगर ब्लेंड करके रख तो उतना कम हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और एंड ऑफ द डे ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, और गवर्नमेंट के पास अगर जो कैश सरप्लस रहेगा वो उसकी जो टारगेट है कि फिस्कल डेफिसिट को बहुत ही जल्दी कम लाने का वहां पे मददगार साबित होगी। और एक चीज, इस बजट ने डिजिटल एसेट को लीगलाइज कर दिया बाय टैक्सिंग इट, तो आज से हम ये मान सकते हैं कि डिजिटल एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसी या NFT इंडिया में लीगल एसेट है, मगर उसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया 30% वो बहुत ज्यादा है और शायद कुछ निवेशकों को ये पसंद नहीं आएगा। चलते हैं डिफेंस सेक्टर के ऊपर। डिफेंस सेक्टर में हमारा जो स्पेंडिंग है वो करीब करीब 2% ऑफ GDP है, तो गवर्नमेंट ये चाहता है कि इंडिया में जो इंपोर्ट होके हमारा डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स आता है उसको कम करें और बहुत सारे चीजें हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। इसका क्या एडवांटेज होगा? इसका ये एडवांटेज होगा कि पहले तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से बहुत सारे कंपोनेंट्स जो इंडियन SME सेक्टर बनाती है वहां पे एम्प्लॉयमेंट और वहां पे नया नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनने पे मददगार होगा। मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का वहां पे बढ़ावा मिलेगा। थर्ड, इंडिया में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से इंडिया में जॉब भी क्रिएट होगा, और जो इम्पोर्ट करके हम लाते थे डिफेंस इक्विपमेंट वहां पे हमें डॉलर के भाव पे पैसा देना पड़ता है, जनरली ग्लोबल करेंसी डॉलर में है, तो हमारे डॉलर टर्म्स में एक्सपेंडिचर कम होगा जो कि हमारे लिए एक हेल्पफुल होगा टू द इकोनॉमी। नेक्स्ट चलते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर। लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर ये कहा गया कि अगले 3 साल में 100 नए कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे जो कि लॉजिस्टिक को एफिशिएंट कर देंगे और फास्टर कर देंगे। अगर लॉजिस्टिक इंप्रूव होता है एक देश में तो बहुत सारी चीजों का कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा। डेफिनेटली ये इमीडिएटली हमारे जो कॉस्ट इन्फ्लेशन कॉस्ट है उसको कम नहीं कर सकता, बट लॉन्ग टर्म पे ये हमारे लिए एक बहुत ही एडवांटेजियस मूव है, और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा नया टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगा, कैसे हम डिफरेंट वेज ऑफ ऑपरेटिंग से जैसे रोड से, रेलवे से, शिप से, सारे के सारे चीजों को एक ही साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है जहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यू एज कंपनीज बनेंगे और न्यू एज एंटरप्रेन्योर अपने नए नए आइडिया के साथ इस सेक्टर में काम करते हुए देखेंगे। सो इट इज अ वेरी वेलकम मूव बाय द गवर्नमेंट। अब चलते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर। एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ने यह बोला कि वो ड्रोन के द्वारा अपने क्रॉप के असेसमेंट के लिए मददगार टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, जिसके थ्रू बहुत सारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में और फिनटेक सेक्टर में नए नए डेवलपमेंट, नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए कंपनी फॉर्मेशन की संभावनाएं हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज होगा जिसके मदद से हम देखेंगे कि फार्मर्स के इनकम बेहतर होगा, उनका आउटपुट बेहतर होगा और उनका प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगा। उसके साथ गवर्नमेंट ने करीब करीब 2.3 से लेकर 2.5 लाख करोड़ का एक MSP डिक्लेयर किया है जो कि डायरेक्ट क्रेडिट के द्वारा किसानों को चला जाएगा। गवर्नमेंट ये चाहता है कि ज्यादा केमिकल ना यूज करके कैसे हमारे फार्मर्स बहुत ही बढ़िया क्रॉप्स उगा पाए, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट फोकस करेगा, एंड डेफिनेटली इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्कोप फॉर एनी कंपनी व्हिच इज ट्राइंग टू वर्क ऑन एग्रीटेक। दैट गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो ऑयल सीड, जो हम फूड एडिबल ऑयल यूज करते हैं, वो बेसिकली किसी ना किसी सीड से बनते हैं और उसमें हमें बहुत सारे सीड्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अगर वो बढ़ावा दिया जाए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस करने में, तो डेफिनेटली हमारा जो ऑयल प्राइस इन्फ्लेशन अभी चल रहा है, आज आम आदमी मैं अगर जाके कोई सीड्स खरीदूं तो काफी महंगा होता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली उसमें भी कुछ रिडक्शन दिखने को मिलेगा अगर हमारे पास ज्यादा प्रोडक्शन होगा और हमारे पास डेफिनेटली डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी अवेलेबल होगा। तो ये भी एक अच्छा मूव है ऑन द बजट टूवर्ड द एग्रीकल्चरल सेक्टर। हाँ, उन्होंने डायरेक्टली
फार्मर्स को इमीडिएटली उनके इनकम देने के लिए कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया है। अपार्ट फ्रॉम एमएसपी जहां पे डायरेक्ट क्रेडिट होगा किसानों के अकाउंट पे जो 2.3 लाख करोड़ है फ्रॉम अप्रैल से लेके मार्च 23 तक, उसके सिवा कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है जहां से किसानों का इनकम इमीडिएटली बढ़ेगा। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, बट इट इज अ वेरी गुड फाउंडेशन एंड स्टार्ट टू बूस्ट बेटर प्रोडक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं पावर सेक्टर के ऊपर। पावर सेक्टर एक चीज है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले एक से दो साल से बूम कर रहा है। जैसे जैसे ईवी के एक्सेप्टेबल होने का संभावना बढ़ रहा है, हमारा पर कैपिटा पावर कंजप्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। तो पावर सेक्टर जब ज्यादा पावर कंजप्शन होगा तो डेफिनेटली कार्बन एमिशन बढ़ेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि जो कार्बन एमिशन है उसको जितना जल्दी हो सके कम किया जाए, और वो अपना कार्बन एमिशन के टारगेट को ऐसा लेके चल रहा है कि कार्बन एमिशन जितना जल्दी हो सके जीरो में पहुंचे, बट वो इतना जल्दी नहीं हो सकता। वहां पे गवर्नमेंट ने 2070 का टारगेट रखा है जो कि बहुत लंबा है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि विद द न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ये सारी चीजें जल्दी जल्दी हो जाए। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है पावर सेक्टर के ऊपर? पावर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ने क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस रखते हुए करीब करीब 19,500 करोड़ का एक एलोकेशन दिया है, जहां पे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जीज इनके ऊपर फोकस रहेगा। तो ये सेक्टर बहुत अच्छे से बूम करने वाला है। अगर आप इस सेक्टर में कुछ स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो केयरफुली खरीदे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंपनीज बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं। So you need to be very careful in selecting a stock on the power sector for the future. Apart from renewable power, government ने hydropower के ऊपर भी focus दिया है। Hydropower के दोनों तरीके से focus दिया है। पहले वहाँ पे करीब करीब 40,000 करोड़ का एक allocation दिया गया है budget में, जिसका target है कि hydropower generation करने के साथ साथ different different rivers तो जोड़ा जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारे farmers को जो irrigation water requirement है वो भी बेहतर हो पाएगा और हमारा पावर जनरेशन भी बेहतर हो पाएगा। तो ये एक वेलकम मूव है ऑन द पावर सेक्टर। और गवर्नमेंट ने 2022-23 में एक नया ग्रीन बॉन्ड का भी प्रावधान रखा है, जहां से कि पैसा उठा के गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में इस्तेमाल करेगी, जो कि अगेन फर्दर बूस्ट देगा रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेगमेंट को। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर। टेक्नोलॉजी अगर हम बोले आज के दिन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ऑफ एनीथिंग टू ग्रो फास्टर, उस चीज का नाम है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी चीज संभव नहीं हो सकता और ना ही फास्टर वे पे अचीव हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा प्रावधान दिया है इस बजट में। उन्होंने एक डिजिटल करेंसी, एक डिजिटल पासपोर्ट इशू करने का पोर्टल, नेशनल हेल्थ केयर पोर्टल, ये सब बनाने का डिफरेंट डिफरेंट प्रावधान बनाया है। हमने पहले डिस्कस किया एग्रीटेक, फिनटेक, लॉजिटेक, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल थीमों पे गवर्नमेंट काम कर रही है। तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर न्यू एज कंपनीज एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज जो कि प्योर टेक्नोलॉजी में काम करती है। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि टेक्नोलॉजी सर्विसिंग कंपनीज के साथ या आईटी सर्विसिंग कंपनीज के साथ। We are talking only about the companies who are manufacturing pure technology. Auto sector. Auto sector के ऊपर government ने इस बार कुछ announcement नहीं किया। Government ने खाली promise किया है कि वो EV segment में एक swappable battery का policy लेके आना चाहता है। आज के दिन में जैसे हम petrol वाली गाड़ी में fuel डालते हैं और immediately चले जाते हैं, ऐसे ही swappable battery mechanism होने से सारे के सारे मैन्युफैक्चरर एक साथ होके एक ही जैसा मॉडल के बैटरीज इस्तेमाल करने लगेंगे, जहां पे कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा और हमें ईवीज में ज्यादा रेंज भी मिलेगा, क्योंकि हम जहां पे भी चाहे बस अपने बैटरी स्वाप करें और एक नया बैटरी गाड़ी पे डालें और चले। ये बहुत ही बढ़िया मूव है और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। इसको फुलफिल करने के लिए भी बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट होगा और डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में नए यंगस्टर के द्वारा बनाए गए काफी सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज यहाँ पे लीड करते हुए नजर आएंगे। सो इट इज ऑल्सो वे इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेटिंग और क्रिएटिंग न्यू जॉब्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी। अब चलते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के ऊपर, जहाँ पे एक 50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। हमारा देश का जो इकोनॉमी है
वो मोस्टली जॉब क्रिएट करता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे और उसका मेन श्रेय जाता है एसएमईज और एमएसएमईज को। ये एसएमईज और एमएसएमईज बिकॉज ऑफ पेंडेमिक बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड है फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, तो उनको एक क्रेडिट लाइन देने का मतलब है जो जॉब वहां पे लॉस हुआ था वहां पे शायद जॉब रिवाइव हो और इमीडिएटली कुछ लोगों का इनकम इंक्रीमेंट हो या इनकम चल पड़े, एटलीस्ट अगर इंक्रीमेंट ना हो। इस बजट में गवर्नमेंट ने जहां पे सबसे ज्यादा स्पेंडिंग का प्रावधान किया वो था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आज ए कंट्री हमारा रिक्वायरमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा है और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे डेवलपमेंट करने हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग हैवी है ये बहुत ही बढ़िया मूव है। गवर्नमेंट ने इस बजट में करीब करीब 7.5 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर में और उनका फोकस है रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज। बेसिकली आइडिया ये है कि हम कैसे बहुत सारे गाँव को और शहरों को लॉजिस्टिक्स के जरिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बहुत अच्छे से जोड़ पाए ताकि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट जॉब क्रिएशन भी हो। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे रोड्स जाता है या बहुत सारे जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसके आसपास के इलाकों में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट मिलने देखने को मिलता है और ऑल ऑफ अ सडन ऑर्गेनाइजेशन होने के वजह से जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मूव है बाय द गवर्नमेंट, बट इसमें एक कंसर्न ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड होके चीजें रेडी होने में टाइम लगेगा जो करीब करीब 6 से 8 महीने का वेटिंग पीरियड ले सकता है या उससे ज्यादा है, तो वो इमीडिएटली कुछ इनकम जनरेट नहीं करेगा, बट गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सबसे महत्वाकांक्षी इन्वेस्ट होके निकलेगा और सबसे बेहतर रिजल्ट देगा टू द इकोनॉमी। तो ये एक वेलकम मूव है बाय द गवर्नमेंट। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर करीब करीब 48,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है जो कि बहुत सारे बेनिफिशियरीज करीब करीब 60 से 70 लाख बेनिफिशियरीज को मिलेंगे और ये एक डिमांड क्रिएट करेगा ऑन द सीमेंट और मेटल सेक्टर में जो कि बेसिकली हाउस कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल सेक्टर में दिखने को मिलेगा। तो ये भी एक वेलकम मूव है बाय द गवर्नमेंट ने इस बजट को बूस्टअप फॉर ग्रोथ का नाम दिया और अमृत काल का शुरुआत करके कहा। तो डेफिनेटली ये एक अमृत काल का शुरुआत है, बट ये और भी अच्छा होता अगर गवर्नमेंट टैक्स की पैर को किसी ना किसी तरह का रिहात देता और उनको इंसेंटिवाइज करता और डेफिनेटली लोगों के हाथों में इनकम ज्यादा होने से कंजप्शन को इमीडिएटली एक बढ़ावा मिलता, तो यहाँ पे शायद कंजप्शन में ग्रोथ आने में थोड़ा और टाइम लगे तो उसे हमें इंतजार करना पड़ेगा। और यहीं पे ही ये बजट ने निराश किया है कि शॉर्ट टर्म पे ये हमें इनकम और इन्फ्लेशन को प्रॉपरली हैंडल करने की जो पावर चाहिए वो देने में सक्षम नहीं है। बाकी ये बजट मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक बेहतरीन बजट है। बाकी ये बजट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए विथ ए लॉन्ग टर्म और ओरिजन डेफिनेटली एक अच्छा बजट है। आप अच्छे से इकोनॉमिक साइकिल को जानिए और इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए और मुनाफा कमाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।